धनबाद चंद्रपुरा रेल लाइन पर धीरे धीरे ट्रेनों का परिचालन तो शुरू हो रहा है, लेकिन डीजीएमएस की रिपोर्ट अभी भी धनबाद चंद्रपुरा रेल लाइन को असुरक्षित मानती है। इस बीच सिम्फर ने एक तकनीक का इजाद किया है, जिसका परीक्षण आत्राभागा गोमो रेल लाइन के समीप टाटा की कोलियरी में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है। इस तकनीक का नाम पेस्ट फिलिंग तकनीक दिया गया है। सिम्फर के वैज्ञानिकों का मानना है कि धनबाद चंद्रपुरा रेल लाइन की भी पेस्ट फिलिंग तकनीक से सुरक्षित किया जा सकता है। हालांकि इसके लिए काम शुरू करने के लिए पूरा डिटेल्स जुटाना होगा, हालात की जानकारी लेनी होगी, लेकिन उम्मीद है कि इस बिल्कुल नई तकनीक से खदानों के साथ साथ रेल लाइन को भी सुरक्षित किया जा सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि धनबाद में कई ऐसे खदाने हैं जहां राष्ट्रीयकरण से पहले कोयले का खनन हुआ है। 1910 में कोयला खनन वाली गैलरी भी मौजूद है। ऐसी पुरानी गैलरी में अब वहां पहुंचकर बालू की भराई तो संभव नहीं है। कुछ खदाने तो रेल लाइन के पास है, ऐसे स्थान पर बोर होल कर पेस्ट फिलिंग किया जा सकता है। टाटा की कोलियरी में ये काम पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है। रेल लाइन के नीचे भी भराई की गई है। भागा लाइन के समीप खदान है जहां पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। माना जा रहा है कि धनबाद चंद्रपुरा रेल लाइन के समीप सुरक्षित स्थानों पर उक्त तकनीक से फिलिंग की जा सकती है। ये भी कहा जा रहा है कि बालू भराई के मुकाबले पेस्ट फिलिंग ज्यादा मजबूत और टिकाऊ हो सकता है। धनबाद चंद्रपुरा रेल लाइन को खान सुरक्षा महानिदेशालय असुरक्षित बता रहा है। महानिदेशालय की रिपोर्ट पर भी इस रेलवे लाइनों पर ट्रेनों का परिचालन बंद किया गया था, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे ट्रेनों का परिचालन शुरू हुआ है। जानकारी के अनुसार पेस्ट फिलिंग तकनीक एक कदम नई तकनीक है और भराई के बाद ये ठोस आकार ले लेता है। पेस्ट में फ्लाई ऐश, सीमेंट, स्लेटर, पानी आदि मिलाकर भराई की जाती है। भराई के बाद पेस्ट ठोस हो जाता है, इससे उसकी ताकत बढ़ जाती है और भूधसान जैसी घटनाएं नहीं होती है। उक्त तकनीक से घर, सड़क और रेलवे लाइन को धसान से बचाया जा सकता है। आग प्रभावित इलाके में भी ये तकनीक कारगर हो सकती है। जो भी हो, लेकिन इस तकनीक को अगर कोयलांचल में सफलता मिली तो कई सड़कें, रेलवे लाइन को सुरक्षित बनाया जा सकता है। धनबाद से ब्यूरो रिपोर्ट।